Educational Panacea, where you learn and enrich knowledge. Hello everyone, I am Ashish Ranjan. Welcome to Educational Panacea. इस वीडियो में बात करेंगे हम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. आपके एग्जाम में आएंगे ये ज़रूर, मतलब कि कई सारे एग्जाम्स से रिलेटेड हैं ये और पहले भी आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले एग्जाम में सीपीओ के और सीजीएल के या बैंकिंग के या अदर एग्जाम रेलवे के होने वाले हैं, उन सब में ये ज़रूर कहीं ना कहीं आएंगे, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं. स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरी कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स की सीरीज़ की, इंग्लिश की हो गया, या मैंने पॉलिटी पूरा कवर करके रखा हुआ है, 25 लेक्चर हैं, तो एसएससी और यूपीएससी से रिलेटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और मेरे कई सारे क्वेश्चन जो हैं अभी जो कल यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, तो उससे कई सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो से रिलेटेड आए हुए हैं, तो आप ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें. स्टार्ट करता हूँ मैं. देखिए, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. ऐसा किसने कहा था कि सप्लाई जो है वो खुद अपनी डिमांड क्रिएट कर लेती है. और आपके ऑप्शंस हैं ए एडम स्मिथ, बी जेबी से, सी मार्शल और डी रिकार्डो. मतलब क्वेश्चन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो अपने कुछ भी कुछ प्रोड्यूस करता है, उसको मार्केट में ले जाता है. मान लीजिए उसका 10 केजी का अनाज हुआ है, ठीक है, और 10 केजी अब उससे लग रहा है कि जितना मैं मार्केट में सप्लाई करूँगा तो क्या वो सारा का सारा बिक जाएगा या नहीं बिकेगा, या मुझे बर्बाद हो जाएगा, या फिर मुझे कम रेट में बेचना पड़ेगा. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसका फैक्टर होते हैं. लेकिन अगर वो मार्केट में देता भेजता है तो अकॉर्डिंग टू जेबी से जो कि इकोनॉमिस्ट थे, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. मतलब कि जितना मैं सप्लाई करूंगा मार्केट में उतनी डिमांड ऑलरेडी ग्रो हो जाएगी और सारी चीज़ सप्लाई मेरी बिक जाएगी. तो ऐसा किसका मानना था, ये जेबी से का मानना था. लेकिन इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, इसको नेगलेक्ट कर दिया गया किसके द्वारा, जे एम किन्स के द्वारा, जो कि उन्होंने अपनी बुक लास्ट और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, मतलब उसमें उन्होंने लिखा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. इसमें उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता है कि सप्लाई क्रिएट अपनी डिमांड करती है. तो इस बुक का नाम याद रखना है आपको, ठीक है. और ये कब बुक आई थी, 1936 में आई थी. और हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, इससे आपके कई सारे क्वेश्चन आपको कवर हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जीने का जो स्तर होता है, ठीक है, किसी कंट्री का, तो उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है. ए पॉवर्टी रेशियो, बी पर कैपिटा इनकम, सी नेशनल इनकम और डी अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई एक देश है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया की पर एक बंदे की जैसे 1.34 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, तो हर पर्टिकुलर एक बंदे की कितनी इनकम है, एवरेज इनकम कितनी है, तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो पहली बात तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पर कैपिटा इनकम से किया जाता है. अब पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है भाई, पर कैपिटा इनकम ऐसे निकाली जाती है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. उस कंट्री की जीडीपी और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दिया जाए तो पर्टिकुलर एक बंदे की पर कैपिटा की इनकम आ जाएगी. और इसको पर कैपिटा इनकम को यूज़ किया जाता है किसी भी कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जांचने के लिए. तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज नियरली, जो हमारा सूर्य है, सन है, उसका सरफेस का टेम्परेचर कितना रहता है. ए 2778 के, बी 4778 के, सी 5778 के और डी 8778 के. हेयर के स्टैंड्स फॉर हेयर के, करेक्ट ऑप्शन आपका सी है और हेयर के स्टैंड्स फॉर केल्विन. के का मतलब यहाँ पे केल्विन से है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 5778 केल्विन. ये हमारे सन का टेम्परेचर होता है सरफेस का. तो इफेक्ट फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है, तो आपको बस ये डेटा याद रख लेना है 5778 केल्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड नीम एंड ब्लैक बक एज द स्टेट ट्री एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली. उस स्टेट का आपको नाम बताना है जिसने नीम को
स्टेट का ट्री डिक्लेयर किया है और ब्लैक बक को उस स्टेट का एनिमल डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना और डी केरला। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अभी रिसेंटली नीम को स्टेट का ट्री डिक्लेयर किया है, ब्लैक बक को स्टेट का एनिमल डिक्लेयर किया गया है। और कुछ चीज़ें मैं और बता दूँ इसमें, रोज रिंग्ड पैराकीट, मतलब रोज रिंग्ड पैराकीट होता है, तोता होता है, ठीक है, मीडियम साइज का तोता होता है जिसकी गर्दन पे ना एक रोज कलर का, मतलब एक उस कलर का वो रिंग टाइप का बनी होती है, तो इसलिए इसको रोज रिंग पैराकीट कहते हैं, मतलब मीडियम साइज के तोता। इसे स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है, आंध्र प्रदेश का स्टेट बर्ड, ठीक है। और जैस्मीन को फ्लावर जो होता है उसे स्टेट फ्लावर डिक्लेयर किया गया है, किस स्टेट ने, आंध्र प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन को दूसरे घुमा फिरा के तरीके से, मतलब दूसरा क्वेश्चन अगर इसी क्वेश्चन से बनाना हो तो कैसे बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है, आपसे पूछ लेगा कि विच स्टेट आंध्र प्रदेश हैज डिक्लेयर्ड डैश एंड डैश एज द स्टेट ट्री एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। तो आपको उस ट्री का और उस एनिमल का नाम बताना पड़ेगा, तो नीम और ब्लैक बक ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन भी और छुपे हुए हैं, तो वो भी मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप भी इसको जरूर देखिए ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण बिटवीन इंडिया एंड डैश हैज बिगन एट पिथौरागढ़ इन उत्तराखंड। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज नेम्ड एज सूर्य किरण, जिसका नाम सूर्य किरण है, वो इंडिया और कौन सी दूसरी नेशन के साथ स्टार्ट हो चुका है, पिथौरागढ़ में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके, आपके ऑप्शंस है ए चाइना, बी बांग्लादेश, सी नेपाल और डी म्यांमार। करेक्ट ऑप्शन है सी नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो बिगन हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ठीक है। अब बता दूं मैं आपको, ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण है, ये 13th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। और सूर्य किरण ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये बाय एनुअल इवेंट है। बाय एनुअल से मतलब क्या है मेरा, मतलब कि साल में दो बार होती है, हर 6 महीने में एक बार, ठीक है। और ये कंडक्ट की जाती है ऑल्टरनेटिवली, मतलब एक 6 महीने में इंडिया कंडक्ट करेगा, तो दूसरे 6 महीने में नेपाल करेगा, फिर अगले 6 महीने में इंडिया, फिर नेपाल, तो ऐसे ही ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है, कंडक्ट किया जाता रहता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या छिपा हुआ है, इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ही छिपा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लीजिएगा, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डैश बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैज बिगन एट पिथौरागढ़ इन उत्तराखंड। तो आपको उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या, सूर्य किरण हो गया, आपको ये नाम याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश ए 5th जुलाई, बी 22 अप्रैल, सी 5th जून और डी 20th जनवरी। इनमें से किस पे, किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी 5th जून। हर साल की 5वीं जून को, 5th जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एनवायरमेंट रिलेटेड कई सारे पेरिस एग्रीमेंट पहले टूट चुका है, ठीक है, और अभी एनवायरमेंट को लेके इंडिया और वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। ताजमहल को बचाने की कोशिश की गई है, क्लीन गंगा की मिशन की बात करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो एनवायरमेंट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है ये, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए बता दूं मैं आपको, हर साल की 5वीं जून को ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, और इस साल का 2018 का कब है, मतलब कल है, आज 4th जून है, ठीक है, तो कल ये मनाया जाएगा, कल ये मनाया जाएगा। तो होस्ट कंट्री कौन है 2018 के वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की? वो होस्ट कंट्री इंडिया है, भारत देश है हमारा, ठीक है। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड बाय किस, कौन इसको ऑब्जर्व करता है? इट इज ऑब्जर्व्ड बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइड, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइड इसको ऑब्जर्व करता है इस डे को, तो आपके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2018? इट इज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को हराना है, खत्म करना है उसे, ठीक है। और दूसरा इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? 1974 में किया गया था, और तब इसका थीम क्या था? ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक अर्थ। तो इस क्वेश्चन को कई सारे मतलब इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2018 इज हु इज द होस्ट कंट्री ऑफ 2018 वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड बाय विच बॉडी? यूनाइटेड नेशन और
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अदर अदर कोई बॉडी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइड. What is the theme of World Environment Day 2018? Beat Plastic Pollution. When was the first time World Environment Day celebrated? और the correct option हो जाएगा आपका 1974. तो कई सारे questions ऐसे बन जाते हैं इसमें, ठीक है, आपको याद रख लेने हैं. Next question है हमारा, As many as 26 countries including India will participate in June 2018 in the world's largest international maritime biennial exercise named Dash. 26 कंट्री जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूड है वो पार्टिसिपेट करेगी जून 2018 में होने वाले वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम बायएनुअल एक्सरसाइज. अब मैं बता दूं आपको, देखिए बायएनुअल एक्सरसाइज मैंने लिखा है यहाँ पे. What is the meaning of biennial exercise? Happening every 2 years. हर 2 साल में जो एक बार होता है ना इवेंट, तो उसे कहते हैं biennial कहते हैं. जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर राज्यसभा इलेक्शन का क्या कहते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं हर दो वन थर्ड मेंबर हर साल वो क्या कहते हैं उसको डिसॉल्व हो जाते हैं, निकल जाते हैं मतलब राज्यसभा से. तो ये क्या बायएनुअल होता है, ठीक है, बायएनुअल इवेंट होता है. तो ऐसे ही ये जॉइंट ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम है ये बायएनुअल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में एक बार होता है, ठीक है. और तो उसका नाम बताना है आपको, तो करेक्ट आपके ऑप्शन हैं ये सारे, रैम्पेज, बी पैसेरिम, सी रिमपैसिफ और डी रिमपैक. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी रिमपैक, RIMPAC रिमपैक. What is the meaning of RIMPAC? Rim of the Pacific इसका फुल फॉर्म है, ठीक है. और बता दूं मैं आपको ये कब से कब होने वाला है, ये जून 27 से अगस्त 2 तक होने वाला है. कहाँ पे? अराउंड हवाइन आइलैंड्स एंड साउदर्न कैलिफोर्निया में होने के आसपास होने वाला है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं वो मैं बता दूं आपको. देखिए आपसे पूछा जा सकता है नेम द बायएनुअल एक्सरसाइज विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम, कौन सा उसका है नाम है, रिमपैक उसका हो गया. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिमपैक, रिम ऑफ द पैसिफिक, ठीक है, ये सारा हो सकता है. और जून या अगस्त में ऐसा कौन सा बायएनुअल एक्सरसाइज था जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम था. तो मतलब कई तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मैंने आपको सारा ये बता दिया यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंडियन बॉटनिस्ट हु हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस लेनियन मेडल इन बॉटनी from the Linnean Society of London and has become the first Indian to win the award. उस botanist का नाम, Indian botanist का नाम बताइए जिनको prestigious Linnean award मिला है from the Linnean Society of London के द्वारा and has become the first Indian to win the award. और वो पहले भारतीय बने हैं जिन्हें ये award मिला है. तो आपके options हैं A. जानकी अम्माल, B. K.S. मनीलाल, C. कमलजीत S. बावा और D. G.S. वेंकट रमन. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी कमलजीत एस बावा. देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन छुपे हैं मैं बता दूं आपको. आपसे ये पूछ लेगा कि कमलजीत एस बावा हु हैज वॉन प्रेस्टिजियस लेनियन मेडल इज बिलोंग टू विच इज अ डैश बॉटनिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट और व्हाट, मतलब क्या है ये. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज अ बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट है ये, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंडियन बॉटनिस्ट हु हैज रिसीव्ड डैश मेडल इन बैटनी फ्रॉम डैश सोसाइटी और ही इज द फर्स्ट इंडियन. तो आप उस मेडल का नाम बताना है, तो उस मेडल का नाम क्या हो जाएगा, लेनियन मेडल हो जाएगा. तीसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि लेनियन मेडल इज बिलोंग टू विच कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करता है. तो ये लंडन सोसाइटी ऑफ लेनियन सोसाइटी ऑफ लंडन, मतलब लंडन के उससे बिलोंग करता है. तो आपके कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको सारा बता दिया. और इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1888 1888 में से कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट टाइम ये मेडल मतलब दिया गया था, ठीक है. और करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ड्राफ्टिंग कमेटी प्रीएम्बल को ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सामने मतलब किसने रखा था, किसने प्रपोज किया था प्रीएम्बल को. तो आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी बीआर अंबेडकर, सी बीएन राव और डी महात्मा गांधी जी. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रीएम्बल को प्रपोज किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, ठीक है. अब प्रीएम्बल जो आपको पता होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली से स्टार्ट होता है और मतलब लंबा चौड़ा है ये, ठीक है. तो आपको ये प्रीएम्बल जो है, पहली बात तो प्रीएम्बल आपको पूरा याद होना चाहिए,
ठीक है। दूसरी चीज कि जवाहरलाल नेहरू जी की ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड था, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब कि क्या बेसिक प्रिंसिपल और आइडिया होना चाहिए हमारे भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये जवाहरलाल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड था। गाइज अगर आपको पॉलिटी पूरी समझनी है एसएससी और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 25-26 लेक्चर हैं, उसे मैंने पूरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कवर कर रखी है, आपको एसएससी और यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो आप ज़रूर देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्योर वाटर फ्रीजेज एट व्हाट टेम्परेचर, प्योर वाटर जो है वो कितने टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 47F, बी 32F, सी 0F और डी 19F। हेयर एफ स्टैंड्स फॉर फ़ारेनहाइट, मतलब एफ का मतलब यहाँ पे फ़ारेनहाइट से है। तो कितना आपका ऑप्शन है बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये प्योर वाटर जो है फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको फैक्चुअल बेट यहाँ पे याद रखिए रखना है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये आपको याद रख लेना, फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है। सो गाइज ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कई सारे क्वेश्चन गाइज। तो जितने मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहते हैं कितने सारे मेंबर्स थे, ठीक है, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे व्हाट एल्स वी कैन डू टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, हाँ अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो आपके सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।